सपा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष दिलीप डे का काशी प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी महानगर नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप दादा का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी व दिलीप दादा जिंदाबाद के नारे लगाए। दिलीप दादा के स्वागत के लिए वार्ड नंबर 7 लोको छित्रपुर से राकेश कुशवाहा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ता एवं नगर निगम पार्षदगण ने किया। डॉक्टर ओपी सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम में शामिल रहे पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मनोज राज धूपचंडी संभावित प्रत्याशी राकेश कुशवाहा सचिदानंद गुप्ता विकास यादव विक्की सोनकर संजू केसरी कार्यकर्ता उत्साहवर्धन करते हुए कैंट रेलवे स्टेशन से लहुरा बेर गौदलिया जामग जगमबाड़ी मदनपुरा होते हुए बंगाली टोला इंटर कॉलेज तक पहुंचे। मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पोस्टर न्यूज़ की। आपको बता दें कि आज महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के दिलीप डे आज काशी में उनका आगमन होने वाला है। महानगर अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार वह काशी आने वाले हैं। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि कार्यकर्ता साथ ही साथ जो प्रत्याशी के रूप में इस बार खड़े होने वाले हैं नगर निकाय चुनाव में वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके स्वागत के लिए काफी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ पे जो प्रत्याशी मौजूद है राकेश कुशवाहा जी, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से तैयारियां हैं और आज का क्या कुछ कार्यक्रम है उनसे जानते हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा वार्ड नंबर 7। ये जानना चाहेंगे आपको कि किस तरह से आप आज महानगर अध्यक्ष का स्वागत करने वाले हैं और आपके साथ कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं। लगभग बनारस की सारी जनता आई हुई है और हम लोग मंत्री जी मनोज यादवचंडी और डॉक्टर पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग अपने कार्यालय से चलते नए महानगर अध्यक्ष का स्वागत करने कैंट रेलवे स्टेशन आए हैं। यहाँ से उनके आवास तक गाड़ियों और पैदलों द्वारा कितना उत्साह देखने को है आपके अंदर, कितना उत्साह है? हमें बहुत उत्साह है क्योंकि दिलीप डे जी के आने पे आप लोगों के अंदर भी एक जोश आएगा चुनाव को लेकर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे और बाकी कार्यकर्ताओं में भी जो पार्टी के चुनाव भी लड़ने वाले हैं उनमें भी, तो उस पर क्या कहेंगे? दिलीप जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता जो आज हम लोकसभा विधानसभा चुनाव में आज तक अभी एक भी प्रत्याशी नहीं जीता पाए हैं, तो आगे से हम लोगों का यह प्रयास रहेगा और माननीय दिलीप जी के नेतृत्व में ये प्रयास हम लोग का रहेगा कि आगे से विधानसभा लोकसभा और आने वाले पार्षद पूर्ण बहुमत से हम लोग अपना नगर निगम में पूर्ण बहुमत लाएं। जी, आई वालों की जानते क्या नाम होगा आपका, तो स्वागत करने के लिए आए हैं यहाँ पर, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप इनको? अच्छा, क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज सेवी के रूप में भी, क्षेत्र में ही आप लोग जानते हैं, आपको पता है क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? एकदम पूरा हम लोग मिलजुल कर उम्मीद रही है, आपको सब देख रहे हैं, महंगाई वहाँ सबके बारे में जान ही रही है। जी जी, पूरा सपोर्ट है उनके तरफ से, हमारे तरफ से ही भैया सपोर्ट है उनकी तरफ से हम लोग लगे हुए हैं। जी, आप देख सकते हैं राकेश जी से बात कर रहे थे, उनके साथ लोग कार्यकर्ता भी आए हुए हैं स्वागत करने के लिए दिलीप डे जी के, और भारी संख्या में आप देख सकते समाजवादी पार्टी के लोग भी यहाँ पर शामिल है। कुछ ही समय में यहाँ पर दिलीप डे जी का आगमन होने वाला है और आपको बता दें कि हाथों में झंडे लेकर, हाथों में जो फूल है माला है उनका स्वागत के लिए लेकर खड़े हैं वहाँ पर कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ।